नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल हिंदू स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ, क्लास इलेवेंथ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। और मजेदार बात यह भी है कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे नर्सरी में है, एलकेजी में, यूकेजी में, उनके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। तो आज इस वीडियो को बनाने का मोटिव, सबसे ज्यादा जो बड़ा मोटिव है, वो क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ के लिए। क्यों? क्योंकि यहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर छोटे बच्चों की बात करें, एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी के, तो आसपास के जो बच्चे हैं वो वहां पे आकर के ज्वाइन करते हैं। तो हमारा क्या टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कूल है जहां की फीस बिल्कुल ना के बराबर है। अगर मैं फीस की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा पूरे साल का आता है। और अगर इसमें हम हॉस्टल, रहना, पीना अगर हम सब कुछ भी मिला दें, तो भी इसमें जो आपका टोटल खर्चा आता है, ध्यान से समझिए, टोटल 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है। और सवाल ये आता है कि सर इसकी फीस इतनी ज्यादा कम क्यों है? तो इसके पीछे जो बेसिक सा रीजन ये है कि यहां पे ये जो स्कूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो हाईली सब्सिडाइज स्कूल है। और यहाँ पे अलग अलग स्कूल है, जैसे छोटे बच्चों के लिए एलकेजी में जो एडमिशन होता है वो स्कूल अलग है, आपका जो नर्सरी में एडमिशन होता है वो स्कूल अलग है, क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो आपका अलग है। तो अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं जिसके लिए बच्चे अलर्ट होकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 7419992928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो आज छोटे बच्चों के साथ साथ जो मेरा इंपॉर्टेंट मिशन है क्लास सिक्स, क्लास नाइन्थ और क्लास इलेवेंथ में, क्यों? क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो आगे चल के सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करते हैं, आरआईएमसी देहरादून, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। तो टारगेट क्या है कि अगर ये फॉर्म निकला है, बच्चे अप्लाई करें, भरें, तैयारी करें, तो मैक्सिमम सभी, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रॉपरली तैयारी कर दी तो उसके बाद आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। और आगे चल के 12th के बाद आपको डायरेक्टली ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। 1 मार्च से आपके फॉर्म ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो गए हैं, 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आपको मैं बता दूं कि हर साल लगभग इसी टाइम एप्लीकेशन फॉर्म आपका निकलता है, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। वैसे इस बार कोविड की वजह से थोड़ा सा आपका लेट निकला है, वैसे लास्ट डेट अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही 20 से 30 मार्च के बीच में ही रहता है। आगे अगर हम लोग बात करें डेट ऑफ करेक्शन, क्यों? क्योंकि जब पेरेंट्स फॉर्म भरते हैं तो उसमें कई बार छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है वो रह जाती हैं। तो आप वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है 3 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल के बीच में उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका रिजर्वेशन यानी कास्ट सर्टिफिकेट हो, किसी भी चीज में आपको दिक्कत आती है, किसी नाम के स्पेलिंग में कोई दिक्कत है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गया, तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? 5 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया से कोई भी लड़का या लड़की पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर हम लोग बात करें छोटे बच्चों की, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे एलकेजी की, नर्सरी की और क्लास फर्स्ट की। तो यहाँ पे जो मेन प्रेफरेंस दिया जाता है वो BHU एम्प्लॉयज के बच्चों को दिया जाता है, दिव्यांग बच्चों को दिया जाता है, वो बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उन बच्चों को दिया जाता है। और इनका जो एडमिशन होता है वो ई लॉटरी के सिस्टम से किया जाता है। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस है वो 15 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा। और BHU एम्प्लॉयज के बाद फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी उन बच्चों को जो जर्नल के बच्चे हैं, SC के बच्चे हैं, ST के बच्चे हैं, OBC के बच्चे हैं, उनको 19 अप्रैल को बुलाया जाएगा ई लॉटरी के माध्यम से। छोटी क्लासेस में एडमिशन होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें क्लास सिक्स की, क्लास नाइन्थ की और क्लास इलेवेंथ में, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, फिर से बात करते हैं छोटे बच्चों की और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बड़े बच्चों का प्रोसेस। तो यहां पे जो आपके BHU के एम्प्लॉयज के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, उनका जो काउंसलिंग है वो 17 अप्रैल को कंडक्ट किया जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक इन बच्चों को इनवाइट किया जाएगा। और जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे जर्नल बच्चे हैं, SC के, ST के, OBC वाले जो बच्चे हैं, उनकी फर्स्ट लिस्ट आएगी 25 मार्च को, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक काउंसलिंग होगी। और जो सेकेंड लिस्ट, अगर कोई सीट बच जाती है छोटे बच्चों में, नर्सरी में, LKG में, फर्स्ट क्लास में, तो सेकेंड लिस्ट भी आएगी और वो आपकी आएगी 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक। आपके बच्चे को और आपके पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं 11th क्लास के बच्चों की। तो 11th क्लास के बच्चे
मैक्सिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज का मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे का जो एज है वो 18 साल या उससे कम होना चाहिए, ठीक है जी। 30 सितंबर 2003 से आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ कम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं जो हमारे एलकेजी के बच्चे हैं उसमें 4 से 5 साल की एज होनी चाहिए। 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। नर्सरी की बात करें, सेंट्रल हिंदू स्कूल की बात करें तो 4 से 5 साल की एज होनी चाहिए और 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 1 अप्रैल 2017 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फर्स्ट क्लास की बात करें तो वहां पर आपको एडमिशन मिलेगा, उसके लिए आपका स्कूल अलग है और ये सारे स्कूल जो है वो BHU के अंडर में ही आते हैं, ठीक है। तो 5 से 7 साल के बीच में एज होनी चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 1 अप्रैल 2016 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। LKG में 120 सीटें हैं आपका, नर्सरी में 40 सीटें और फर्स्ट क्लास में आपकी 40 सीटें हैं। अब जो हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों का। तो क्लास 6 के बच्चों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 14 जून को कंडक्ट किया जाएगा, मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 9th क्लास की बात करें तो 15 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी मंगलवार का दिन है, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का आपका प्रॉपर आपका जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वो आपका OMR बेस्ड टेस्ट होगा। आपके पास ऑप्शन होंगे 4, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन को करेक्ट करना होगा। बात करें अगर 11th क्लास में कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स की तो 16 जून को इनवाइट किया जाएगा, वेटनेसडे के दिन, बुधवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें 11th क्लास की तो जो बायो का पेपर है वो 17 तारीख को कंडक्ट किया जाएगा, थर्सडे के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे 11th क्लास के लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो 10th क्लास में है वो 11th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है, वो बच्चा जो 5th क्लास में वो 6th क्लास के लिए, जो बच्चा 8th क्लास में, जो लड़के और लड़कियां 8th क्लास में 9th क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लास 6th, क्लास 9th और क्लास 11th का एज क्राइटेरिया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं प्रोविजनल जो आंसर की आती है, जिसको आप ध्यान से चाहिए, ध्यान से समझिए। 25 जून को आपका डिक्लेयर किया जाएगा और आपका जो बच्चा है वो 27 जून को, कोई भी बच्चा जो है वो इस रिजल्ट को, जो आपका रिजल्ट आया है उसको चैलेंज कर सकता है। फाइनल आंसर की जो है वो 30 जून को आएगा और फाइनल जो रिजल्ट है वो आपका 10 जुलाई को डिक्लेयर किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कूल है, यहां पे सिर्फ 50 से 60 हजार रुपए का पूरे साल भर का खर्चा आता है। अगर हम लोग बात करें गर्ल्स की, सेंट्रल हिंदू स्कूल, बॉयज की बात करें तो यहां पे 11th क्लास में, ध्यान से समझिए, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, बॉयज का अलग है, गर्ल्स का अलग है। अगर हम लोग, अब पहले मैंने आपको बॉयज का बताया था, अब मैं आपको गर्ल्स का बताऊंगा। तो अगर हम लोग कॉमर्स की बात करें तो 27 तारीख को लड़कियों का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का, सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मंगलवार को, ठीक है, जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अगर हम लोग 11th क्लास में आर्ट्स की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इन्वाइट किया जाएगा 28 जुलाई को, बुधवार को। ऐसे ही अगर हम लोग 11th क्लास की पेड सीट्स की बात करें बॉयज की, तो उसमें आपको 28 जुलाई को बुलाया जाएगा, बुधवार को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक काउंसलिंग के लिए। तो पेड सीट में थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, लेकिन उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जो बच्चे टॉपर्स हैं। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा जाएगा और पेड सीट में एडमिशन करा लेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें 6th क्लास की, तो 10 से 12 साल का बच्चा होना चाहिए, यानी अगर आप 2021 में फॉर्म भरना चाहते हैं, आपका बेटा या बेटी, तो 30 सितंबर 2009 से लेकर के 30 सितंबर 2011 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की, ठीक है, तो 9th क्लास में 13 से 15 साल एज चाहिए, यानी 30 सितंबर, ध्यान से समझिए, 30 सितंबर 2006 से लेकर के 30 सितंबर 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और बच्चे का जो बच्चा 8th क्लास में पास होना चाहिए। 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए बच्चा 5वीं में या 5वीं पास होना चाहिए। 9th क्लास में एडमिशन लेने के बच्चा 5वीं में या 5वीं पास होना चाहिए, ठीक है। और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इवनिंग क्लासेस के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर इवनिंग क्लासेस क्या होता है? अगर आपको लगता है कि आप हॉस्टल में नहीं आ पा रहे हैं, आपका बच्चे को हॉस्टल में नहीं रखना चाहते, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं कि सर ये इवनिंग क्लासेस का क्या प्रोसेस होता है, क्या किसी तरीके से आपका बच्चा घर पे बैठ करके तैयारी कर सकता है बहुत ही मिनिमम फीस में, तो उसके लिए आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया की।
तो जो सेंट्रल हिंदू स्कूल का है सेम प्रोसेस है, 15% जो सीट्स हैं वो एससी वाले बच्चों के लिए, 7.5% जो सीट्स हैं वो एसटी वाले बच्चों के लिए, और 27% जो सीट्स हैं वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ठीक है, तो वो सेम प्रोसेस है जैसे आपका सैनिक स्कूल में होता है, ठीक है, वैसा ही सेम प्रोसेस आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल में ही है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं आप लोग उसकी फीस की। तो जो एससी और एसटी वाले बच्चे हैं ₹125 फीस है, जबकि जो जर्नल वाले बच्चे हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं या जो बीएचयू के एम्प्लॉयज हैं उनकी फीस ₹250 आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है तो आप सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, अलग अलग स्कूल्स हैं जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल गर्ल्स स्कूल है कमाक्षा में, वाराणसी में एलकेजी के लिए वहां पे आप बात कर सकते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल जो है बरक्षा में मिर्जापुर में उसका आपका नर्सरी में जो एडमिशन होता है उसका हेल्पलाइन नंबर अलग है। ठीक है, श्री संवीर संस्कृत विद्यालय कमक्षा में है क्लास 1 के लिए वो अलग है, तो अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए, फिर भी अगर आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, 7419992928 पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो और जिन लोगों को बुक्स के बारे में नहीं पता है, जिन बच्चों को पेरेंट्स को 15 बुक्स के सेट के बारे में नहीं पता है तो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, इसके अंदर आपको ओएमआर शीट भी मिलता है, 40 सैंपल पेपर्स आपको मिलते हैं, 40 सैंपल पेपर, मजेदार चीज है आपको बता दूं कि ओएमआर शीट्स और 40 सैंपल पेपर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, मिलिट्री स्कूल का है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है या आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल का है, ओक ग्रोव स्कूल के आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं और कृष्णकांत शर्मा जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल रीवा में 222 नंबर आए जर्नल में। देखिए जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं कम से कम 230-240 नंबर आए तभी वेट करने का फायदा है, इंतजार करने का फायदा है, चाहे आप रीवा से हैं, चाहे आप करनाल कुंजपुरा से हैं, ठीक है जी, चाहे आप एमपी से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, कर्नाटक से हैं, जम्मू से हैं, आपको समझना पड़ेगा कि कुछ बेसिक क्राइटेरिया आपको लेकर के चलना पड़ेगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, तो जब भी फॉर्म निकलेगा मैं आपसे वादा करता हूँ सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा, मेरा आपसे वादा है। ठीक है, राज यादव जी का मैसेज है, आरएमएस का आरएमएस में स्कॉलरशिप एज क्या है 9th क्लास में। देखिए आरएमएस में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह कि 9th क्लास के लिए जो एज है वो आपका 13 से 15 साल के बीच में, जो लड़के हैं उनकी एज 13 से 15 साल के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो ये आपको ध्यान देना है, यानी 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2009 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2022 वाले एग्जाम के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं अब अगले साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं या उनके मन में एजुकेशन से जुड़ा कोई भी सवाल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल। जितेंद्र जी को मैं पहले भी बता चुका हूं कि डायरेक्ट 12th क्लास में किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होता है, अगर आपने गलती से हमारे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है तो आप अपना फीस रिफंड करवा लीजिए, किसी भी स्कूल में 12th क्लास में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी आपने ₹10,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो आप अपना वापस करवा लीजिए, अपना रिफंड करवा लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। शिव पूजन प्रसाद जी का मैसेज है, नमस्कार सर, सैनिक स्कूल तिलैया में ओबीसी में 214 है, क्या होगा 214 नंबर पे, 220 नंबर पे, 222 नंबर पे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, सीधी बात है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 1 के लिए, तो जो भी कोई भी ऐसा बच्चा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता है, जैसे आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल है वैसे ही आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और यहाँ पे भी जो आपका मोटा मोटा खर्चा आता है वो सिर्फ 40,000 से 50,000 के बीच में ही आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 6th क्लास की जो एज है 9th क्लास की वो सैनिक स्कूल वाली ही है, मिलिट्री स्कूल वाली ही है। अनमोल कुमार जी का मैसेज है, सर गुरुकुल कैसा स्कूल है? गुरुकुल एक बहुत जबरदस्त स्कूल है, अगर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लीजिए, करीब करीब 110 साल पुराना स्कूल है, बहुत जबरदस्त स्कूल है
और इसका जो मोटा मोटा खर्चा आता है वो 1.5 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। तो अगर आपको इस तरह के स्कूल में एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, RIMC देहरादून हो गया। पवन मिश्रा जी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन मिलता है तो आप आंख बंद करके एडमिशन करवा लीजिए, आंख बंद करके, ठीक है। सुभाष सिंह जी का मैसेज है, 19 जनवरी 2008 है गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ। 19 जनवरी 2008 वाला जो बच्चा है वो आपका गुरुकुल का फॉर्म भर सकती है, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भर सकती है, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भर सकती है। तो सुभाष सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बच्चा गुड़िया आपकी बड़ी क्लासेस में जा चुकी है तो उसके हिसाब से आपको आगे की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस रखिए कि अगर आप इस तरह के बोर्डिंग स्कूल को टारगेट करते हैं तो 12th के बाद डायरेक्ट NDA ज्वाइन करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में 10-15-20 लाख रुपया लगाएंगे, फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नरेश ग्रोवर जी का मैसेज, सैनिक स्कूल कुंजपुरा 9th क्लास में कितने मार्क्स चाहिए? कम से कम 330-340 नंबर के बीच में चाहिए 9th क्लास के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल हिंदू स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप आराम से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। 6th क्लास में 10 से 12 साल की एज और 9th क्लास में 13 से 15 साल की एज चाहिए। साक्षी जी का मैसेज आ चुका है, मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 8 जनवरी 2013 है, प्लीज कंफर्म करके बताओ आपके स्कूल में नेक्स्ट ईयर में एडमिशन RMS के लिए प्रिपेयर। देखिए 8 जनवरी 2013 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, तो साक्षी जी आपके पास ज्यादा टाइम मिल रहा है, बाकी बच्चों को 1 साल का मौका मिल रहा है, आपके बच्चे को अगर 2 साल का टाइम मिल रहा है तो आप बच्चे को अभी लेकर के आओ, अभी तैयारी करवाओ, तब आपको फायदा होगा। अब क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को 2 चांस मिले, 3 चांस मिले, तो उनको नहीं मिल पाता है। आपकी किस्मत बहुत जबरदस्त है कि आपको मौका मिल रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, ठीक है। आपको जो चांस मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, बाकी बच्चे 1 साल तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को 2 साल तैयारी करवाइए। अच्छी बात यह है कि अगर 2 साल पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, कोई टाइम वेस्ट थोड़ी हो रहा है, आपका कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। इसके अलावा RIMC देहरादून का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, 15 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 5 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, सैटरडे का दिन है, तीनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो जिन पेरेंट्स को RIMC देहरादून के बारे में नहीं पता है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के बारे में पता करो, अपने बच्चे का RIMC देहरादून का फॉर्म जरूर भरवाओ, ठीक है जी। रीमा सिंह जी का मैसेज है, कौन कौन से सैनिक स्कूल का फॉर्म निकला है? सैनिक स्कूल का फॉर्म निकलेगा अब अगस्त में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 अगस्त 2021 से लेकर के 20 सितंबर 2021 के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, ठीक है जी। तो आप आराम से अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवाओ। एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा दिसंबर में, 2 जनवरी 2022 को संडे के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, तो आपके पास प्रॉपर 1 साल तैयारी करवाने का मौका है प्रॉपर। आगे चलते हैं, नौशाद अहमद जी का मैसेज है, सर AMU 11th क्लास की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगा, चाहे वो 6th क्लास हो, चाहे वो 9th क्लास हो और चाहे वो 11th क्लास हो, आप अपने दिमाग में कम से कम 80% का टारगेट डाल लो, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगर 80% आप नहीं ला सकते तो कहीं ना कहीं, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, AMU है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, आप हमेशा कंपटीशन से बाहर रहेंगे, है ना। कम से कम 75-80% का टारगेट लेके चलो, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूं। राज यादव जी का मैसेज आया, सर RMS मेडिकल टेस्ट में स्पेक्स होने में रिजेक्ट हो सकता है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा होता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती है, या कई लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं जिसमें पेरेंट्स को डराया जाता है, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों के चश्मे के बारे में, स्पेक्स के बारे में चिंता छोड़ दीजिए, चुपचाप मन लगा करके तैयारी करवाइए,
आपका मेन है तैयारी करवाना, आपके पास आरएमएस भी है, आपके पास सैनिक स्कूल भी है, आपके पास आरआईएमसी देहरादून भी है, ठीक है, आपके पास दुनिया भर की ऑप्शन है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आपके बच्चे को लिया जाएगा, है ना। तो आईस का जो नंबर है वो कुछ आपका नंबर होता है -2.5 से लेकर के +3.5 के बीच में आपके बच्चे के स्पेक्स के नंबर होने चाहिए। चलिए जी, तो आगे चलते हैं। और एक पेरेंट्स ने, बघेल जी ने पूछा है, बीएचयू का फुल फॉर्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में आपका सेंट्रल हिंदू स्कूल चलाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कूल है जहां पे बहुत ही मिनिमम फीस में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। रीमा जी का मैसेज आ चुका है, कौन से बुक से पढ़ाई करें। वीडियो के नीचे आपको दुनिया भर की बुक्स, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, तभी आपकी मैं मदद कर पाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको ये सब चलाना नहीं आता है तो आप चुपचाप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो। अब ये मत बोलना कि हमें फोन करना भी नहीं आता है, ठीक है। 7419992928 पर कॉल कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड्रॉयड ऐप जरूर इंस्टॉल करो। जतिन कुमार जी, चाहे वो फौजी का बच्चा है, चाहे वो सिविलियन का बच्चा है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, कम से कम 80% का टारगेट लेके चलो, तभी आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन आपको मिल पाएगा, कम से कम, ठीक है। राज यादव जी का मैसेज आ गया है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिलहाल अभी कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं। अभी आपके पास गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 21 मार्च से 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल का, आपके पास सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म निकला हुआ है, 31 मार्च लास्ट डेट है। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, 15 मार्च लास्ट डेट है, ठीक है जी। तो अभी जो जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले हुए हैं, आप कॉल करो, पता करो और कोशिश करो कि ये फॉर्म आपका टाइम से भर दिया जाए। अभी तक आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का रिजल्ट नहीं निकला है, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आपका पेरेंट्स के पास जा रहा है, बच्चों की ओएमआर शीट जा रही है, बच्चों का रिजल्ट जा रहा है, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आई कि किन किन बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। अभी तो सिर्फ रिजल्ट आया है कि आपके बच्चे का रिजल्ट है, ये नंबर आ गया है, आपके बच्चे के नंबर इतने, ओएमआर शीट इतनी है। मूल चंद यादव जी का मैसेज है, मेरे बच्चे के 342 नंबर है, 398 नंबर आ रहे हैं क्लास नाइन्थ में, चांसेस हैं, इंतजार करो, 342 नंबर अच्छे हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, राजस्थान से इन्होंने फॉर्म भरा था ओबीसी कैटेगरी में, तो 342 नंबर, मूलचंद यादव जी बहुत अच्छे नंबर हैं, थोड़ा सा आप इंतजार कीजिए, पेशेंस रखिए और विश्वास रखिए। देखिए, जहां पे चांसेस नहीं है मैं क्लियरली मना कर देता हूँ, फालतू वेट करने का, इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपना आगे का प्रोसेस करवाओ, आगे की तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर दो। अगला जो मैसेज है, जीके सिंह जी का मैसेज है, मेरी लड़की 10th क्लास में एएफएमसी के लिए तैयारी करवानी। बिल्कुल, आप अपनी गुड़िया को हमारे विद्यालय में लेकर के आइए, गुड़िया को हम लगातार 3 साल तैयारी करवाएंगे, क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए। एएफएमसी में डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर बनेंगे, आर्मी वाले आपकी गुड़िया को मेडिकल ऑफिसर बनाएंगे, सारा खर्चा सरकार उठाती है, फीस बिल्कुल ना के बराबर होती है और पढ़ाई के दौरान आपके बच्चे को स्टाइफन दिया जाता है, यानी एक तरीके से छोटी मोटी सैलरी मिल जाती है। और आपको मजेदार बात बता दूं, सारा खर्चा सरकार उठाती है और डायरेक्ट आपको इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में एज ए मेडिकल डॉक्टर आपको जॉब मिल जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं इस चीज की, नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को 10-15 साल बाद आपके बच्चे भी ट्विटर पे बैठ करके मोदी रोजगार दो ट्रेंड करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही है कि बचपन में छोटी एज से आपको ध्यान देना पड़ेगा, छोटी एज से आपको एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, सरकार भी क्या करेगी, और सबसे बड़ी बात, आप हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख आदमी हैं जो आप किसी दूसरे के डिपेंडेंट बैठे हुए हैं। क्यों आप डिपेंडेंट बैठे हो, क्यों आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्योंकि आपने उस लेवल पे अपने बच्चे को तैयारी नहीं करवाई, क्योंकि आपको जब बचपन में ध्यान देना था उस टाइम उस लेवल पे तैयारी नहीं हुई है।
तो कहीं ना कहीं सिस्टम भी वैसा ही है, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी गलत हैं, बच्चे भी गलत हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सीधी सी बात है, हमें किसी पे डिपेंडेंट होकर के क्यों बैठना है। आप अपने बच्चे को तैयारी करवाओ, आपका बच्चा तैयारी करेगा, ठीक है आपको। और जो लोग जिनके बच्चे बड़े हैं, आप उनसे पूछिए SSC का क्या हाल है, फॉर्म निकलता नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके फॉर्म निकलता है, फिर बड़ी मुश्किल से फॉर्म निकल जाता है, पेपर नहीं कंडक्ट होता है, पेपर कंडक्ट होने लग जाता है तो एडमिट कार्ड नहीं आता है, एडमिट कार्ड जाता है पेपर हो जाता है तो रिजल्ट नहीं आता है। तो आप ये मान के चलो 4-4, 5-5 साल तक एक लड़का और एक लड़की जूझते रहते हैं, परेशान होते हैं। वही हाल IBPS का है, वही हाल इंडियन रेलवे का है, वही हाल SSC के एग्जाम का है। तो मैं कह रहा हूँ क्यों हमें दूसरों के भरोसे बैठना, आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने बच्चों को तैयारी करवाओ, ये राइट टाइम है अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने का, पैसा लगाने का, टाइम लगाने का, इन्वेस्टमेंट करने का। एक बार बच्चा 22-23 साल का हो गया, चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। कृष्णा पटेल जी, अभी तक आर्मी पब्लिक स्कूल रक्साई का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग इंतजार करो, वेट करो, और अगर वेबसाइट के ऊपर 25 मार्च दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, ठीक है जी, आपको इनवाइट किया जाएगा। बाकी आपका पेपर कैसा हुआ है, आपने पेपर कैसा अटेम्प्ट किया है, सभी बच्चों को और पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है जी। नीतीश तिवारी जी का मैसेज है, क्लास 10th में हूँ, मुझे RMS चैल में एडमिशन चाहिए। देखिए 11th क्लास का बहुत ही रेयरली फॉर्म निकलता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप लगातार 2 साल पता करो, लगातार 2 साल NDA की तैयारी करो, ठीक है, वहां से आपका रास्ता निकलेगा, क्योंकि 11th क्लास में बहुत ही रेयरली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म निकलता है, बहुत ही रेयरली सीट्स खाली होती हैं, ठीक है। अगर फॉर्म निकलता है 11th क्लास का तो मैं आपको वादा करता हूं हमारे YouTube चैनल पे आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सुभाष सिंह जी का मैसेज, सर प्लीज आप मुझे ये बताओ कि मेरी लड़की 8th क्लास में पढ़ रही है मुंबई में और उसे आर्मी में जाना है। देखिए बहुत सारे रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, हालांकि लड़कियों के पास कम रास्ते होते हैं लेकिन आपके पास रास्ते बहुत हैं। अब दिक्कत ये कि कई लोगों को पता नहीं होता है, आपकी गुड़िया लगातार, ध्यान से समझिए, अभी 8th क्लास में है, आप उसका बेसिक फाउंडेशन के ऊपर काम करो, बेसिक जो आपका 8th क्लास का, 9th क्लास का, 10th क्लास का छोटी एज में लेकर के आओ, तैयारी करवाओ, और लगातार मैं आपको बता रहा हूँ 11th और 12th क्लास में MNS की तैयारी होगी, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर बनेगी, या आप AFMC के माध्यम से डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर बना सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाला है AFMC पुणे के ऊपर और MNS एग्जाम के ऊपर, आप जा करके विनर राय डाल के सर्च कर सकते हैं, MNS एग्जाम डिटेल्स बाय इंजीनियर विनर राय, AFMC एग्जाम डिटेल्स बाय इंजीनियर विनर राय, आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा। बहुत टाइम है, अभी गुड़िया 8th क्लास में, जितना छोटी एज से आप तैयारी करवाओगे उतना आपको फायदा होगा, जितना आप डिले करोगे अपॉर्चुनिटीज उतनी ही कम होती जाएंगी, सिस्टम के ऊपर से आपका विश्वास उतना ही कम होता जाएगा। तो मैं आपको पर्सनली यही बोलूंगा कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो कि सरकार आपको जॉब देगी, जॉब्स निकलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल होकर के आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद दूसरे के भरोसे बैठे हो तो दूसरा गलत नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप गलत हो, आपकी गलती है, आपके बच्चे की गलती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों दूसरों के भरोसे बैठे हो। सैनिक स्कूल में हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, वहां पे सिर्फ, आप सोच के देखो, सिर्फ 80 बच्चों को एडमिशन मिलता है एक स्कूल में, जबकि वहां पे हजारों लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। तो बाकी बच्चों को भी अपना सिस्टम देख के रखना चाहिए, सभी बच्चों को तो एडमिशन नहीं मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, पेरेंट्स को भी ये बात पता ही है, हजारों बच्चे, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करवानी चाहिए कि मान लो अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो मेरा बच्चा क्या करेगा, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिला तो मेरे बच्चे का क्या होगा। आप पहले ही 10 तरह की फील्डिंग अपने बच्चे के लिए सेट करके रखो ताकि फ्यूचर में आपके बच्चे को दिक्कत ना आए। कुणाल जी का मैसेज आ चुका है, सर 11th में मिनिमम परसेंटेज, देखिए अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन लेना है तो आपको टारगेट करना पड़ेगा कम से कम 80-85%। क्यों? क्योंकि इसमें कोई रिटन एग्जाम तो होता ही नहीं है, 10th क्लास के रिजल्ट के आधार पर 11th में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप पर्सनली थोड़ा सा देख करके चलो, ठीक है जी, पर्सनली आप थोड़ा सा देख करके चलो, अपनी तैयारी करके चलो, तभी आपको फायदा हो पाएगा, अदरवाइज फिर आपको दिक्कत आएगी।
है ना, रियलिटी टच लेना जरूरी है। और ये भी सोच के चलो कि मान लो अगर आपने तैयारी करी नहीं हुआ तो आगे का भी आपके लिए लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, और ऐसा तो है नहीं कि फौज में ऑफिसर नहीं लगा या मेडिकल ऑफिसर नहीं बना, ऑफिसर नहीं बना तो दुनिया खत्म होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये चीजें आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा प्राइवेट जॉब्स में है, अपने दिमाग में आप ये बात डाल लो, थोड़ी वहां पे मेहनत है तो पैसा भी है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। मुकेश जी का मैसेज है, मेरी भतीजी का एमएनएस का फॉर्म फिलअप करने में आधार कार्ड ऑलरेडी यूज दिखा रहा है, पिछले साल वो एमएनएस का एग्जाम दी थी। तो मुकेश जी आप एक बार ट्राई करो, और जो एमएनएस का हेल्पलाइन नंबर है, पहले भी मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने सारी प्रॉपर जानकारियां दी हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पता करो, एक बार कॉल करो, उनसे जानकारी लो, और कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, ठीक है। सुरेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, नमस्कार सर, मेरा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 28 मई 2008 है, 28 मई 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म भर सकता है, मिलिट्री स्कूल आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2022 में 9th क्लास के लिए आपका बच्चा सारे एग्जाम दे सकता है, सारे फॉर्म भर सकता है, ठीक है। किरण जी का मैसेज आया है, रिजल्ट कैसे देखें, आपका एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है aisse.nta.nic.in पर जाकर के आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। मैं आपको वादा करता हूं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आप रिजल्ट कैसे देखें वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो किरण जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जी का मैसेज आ चुका है, हमारा लड़का आपके स्कूल में क्लास 6th में एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, स्कूल में करवाई जाए तो कैसा रहेगा आपके स्कूल में। बिल्कुल जी, देखिए कोई भी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको ऑप्शंस लेकर के चलना पड़ेगा। हमारे स्कूल में आपको पता ही है क्या कैसा सिस्टम है, आपका बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, आपको वीकली ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होता है, 24 घंटे आपके पास डॉक्टर्स हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। तो मज़ेदार बात यही है कि आपको सिर्फ थोड़ा सा ट्रस्ट रखना है, विश्वास रखना है, और आपका बच्चा हमारे ही विद्यालय में तैयारी करता रहेगा 12th क्लास तक, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं सैनिक स्कूल 11th क्लास में, आगे चलते हैं। वंश जी का मैसेज आया, सर मैंने 4 फरवरी को फॉर्म के 1500 रुपये, वंश जी का मैसेज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, फिर भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और जो हमारा कंप्लेंट ग्रुप है उसके अंदर मैं डाल देता हूं। आप मुझे अपना हेल्पलाइन नंबर दे दीजिए वंश, ताकि हमारी टीम आपके साथ कांटेक्ट करे, और आप किस फॉर्म के रिगार्डिंग बात करें, 4 फरवरी को 1500 रुपये आपने किस फॉर्म के लिए दिए थे, उसके ऊपर आपको जानकारी मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सर आरआईएमसी के लिए कौन सी क्लास तक मैथ्स क्लियर करना होगा, 200 में से 200 मैथ्स में लाया जा सके। आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि आरआईएमसी में 8th क्लास के लिए एडमिशन मिलता है, लेकिन वहां पे 9th क्लास का भी मैथ्स आता है, ठीक है, और कुछ पोर्शन आपका 10th क्लास का भी पूछा जाता है। तो अगर आप आरआईएमसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो कम से कम लगातार 2-3 साल की प्लानिंग लेके चलोगे तभी अच्छा रहेगा। शॉर्टकट मारोगे, सिर्फ सोचोगे किताब लेके पढ़ लें या ऑनलाइन पढ़ लें, घर पे बैठ के कर लें, मम्मी पापा पढ़ा देंगे, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आरआईएमसी एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, और इसका मान सम्मान करना पड़ेगा आपको भी और हमें भी। कई बार पेरेंट्स पूछते हैं कि सर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में और बाकी नॉर्मल स्कूल में क्या फ़र्क होता है। तो सैनिक स्कूल में और हमारे स्कूल में आपको स्मार्ट क्लासेस मिलता है, एनडीए की ट्रेनिंग मिलती है, एसएसबी की ट्रेनिंग मिलती है, बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग है, ठीक है, बच्चों के लिए क्रिकेट पिच बनाई गई है, ताकि क्योंकि लड़के जो होते हैं खासकर वो क्रिकेट वगैरह के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, एनसीसी की ट्रेनिंग, और सबसे लास्ट में होता है आपका टीचिंग क्वालिटी सबसे बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जो कि आपको एक नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलता है। नॉर्मल स्कूल में आपको इंटरव्यू, फिजिकल, हॉर्स राइडिंग नहीं करवाया जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। सैनिक स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन नहीं होता है। पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से देखें, ठीक है, बार 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 सेम मैसेज ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें, बातों को ध्यान से सुने। मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में एडमिशन होता है, वो भी बहुत ही रेयरली, एक आधी सीट अगर निकलती है तो उसके ऊपर फॉर्म निकल जाता है, और 10th क्लास की परसेंटेज के अकॉर्डिंगली
आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है मिलिट्री स्कूल में 11th क्लास में, जबकि सैनिक स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन नहीं होता है। सोनिया शर्मा जी, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है, ओएमआर शीट आ चुकी है, बाकी फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, आने वाला है। रमेश जी का मैसेज आ चुका है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 2012, तो 2 अप्रैल 2012 वाले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 2 अप्रैल 2012 वाला जो बच्चा है, 2 अप्रैल 2012 वाले बच्चे के पास 2022 में भी चांसेस नहीं है, ठीक है, बच्चा अभी छोटा है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है रमेश जी, आपका बच्चा, आपके बच्चे को अभी चांस मिल रहा है 2 साल तैयारी करवाने का, तो आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करो, पता करो और अपने बच्चे को अभी एडमिशन करवाओ, ताकि आपका बच्चा, बाकी बच्चे 1 साल 2 साल तैयारी करें, आपके बच्चे को चांस ज्यादा मिल रहा है, टाइम ज्यादा मिल रहा है एज पर एज। तो अभी आपका बच्चा क्योंकि 4th क्लास में 5th क्लास में, तो 6th क्लास का पेपर देने के लिए आपके पास टाइम है, तैयारी करने के लिए आपके पास टाइम है। सुभाष जी का मैसेज आया, अगर मैं आपके स्कूल में एडमिशन करवाऊं अपनी लड़की का तो कैसा रहेगा? देखिए, ये तो सर आपको डिसाइड करना है, आप बच्चे को लेकर के आइए, गुड़िया को लेकर के आइए, मैडम को लेकर के आइए, हॉस्टल विजिट करवाइए, बच्चों से मिलवाइए, गर्ल्स हॉस्टल में जाइए, लड़कियों से मिलिए, टीचर से मिलिए, सिस्टम देखिए, है ना, लड़कियों का जो डोम सिस्टम है वो अलग है, लड़कियों के वॉशरूम्स अलग हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा सिस्टम है, हर जगह कैमरे लगे हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब है, और आप अगर छोटी एज से प्लानिंग कर रहे हैं 8th क्लास से, तो आपको बेनिफिट क्यों नहीं मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मेरी आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, शॉर्टकट मत मारिए, हमारे इंडिया में बस यही होता है, जुगाड़ू सिस्टम, शॉर्टकट मारना, सेटिंग करना, ये हम लोगों के खून में है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। आपको हमेशा सीधा रास्ता पकड़िए, सीधा रास्ता थोड़ा सा लंबा रास्ता होता है, थोड़ा सा कठिन रास्ता होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे ने एक बार तैयारी कर ली है, तो आपके बच्चे को कोई हिला नहीं पाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए आपके बच्चे को कोई भी हिला नहीं पाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके चलना है। अर्चना जी का मैसेज आ चुका है, 6 जून 2007 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 9th क्लास के लिए 2022 में एग्जाम दे सकता है, सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का। तो मतलब आपका, अर्चना जी, आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है जी। मोदी राम जी का मैसेज आ चुका है, राय स्पोर्ट्स स्कूल का फिजिकल टेस्ट कब है? अभी कोई जानकारी नहीं है, वैसे तो 14 मार्च को बताया गया था, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा डिटेल्ड वीडियो बना करके दे दूंगा, ताकि आपको दिक्कत ना आए। मोदी राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणदीप राणा जी का मैसेज है, सर ओक ग्रोव स्कूल का रिजल्ट आ गया? बिल्कुल आ गया जी, हमारा बच्चा 3rd क्लास में ओम कुमार सेलेक्ट हुआ है। आपको मैं ओम कुमार के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कि जो बच्चा है हमारा ओम कुमार, पहले वो हमारे स्कूल में आया, हमारे स्कूल का उसने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया, और एक साल उस बच्चे ने 2020 में लॉकडाउन में ऑनलाइन तैयारी करी हमारे हॉस्टल में, उसके बाद में आया सितंबर अक्टूबर में जब स्कूल खुल गए, वो बच्चा हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ा, और अब फाइनली ओम कुमार जो बच्चा है वो ओक ग्रोव स्कूल में 3rd क्लास के लिए सेलेक्ट हो गया है। ये आता है मजा, देखो कि बच्चा अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर रहा है, 2nd क्लास में हमारे विद्यालय से उसने एक साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करी, बाकी जो पेरेंट्स हैं, बाकी जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पूरी फीस भरी है, जो भी फीस है 1 लाख रुपए, लेकिन ओम कुमार ने हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री, उनका सिर्फ एडमिशन फीस लगा था 20,000 रुपए, इसके अलावा सारा फ्री हो गया था, रहना पीना खाना बुक्स बैग मटेरियल ड्रेस हॉर्स राइडिंग स्विमिंग एनसीसी की ट्रेनिंग स्मार्ट क्लासेस सब कुछ फ्री हो गया, और अब ओम कुमार जो है वो ओक ग्रोव स्कूल मसूरी देहरादून में सेलेक्ट हो गया है। सोचिए, है ना मजेदार बात, और अभी वो बच्चा सिर्फ 3rd क्लास में है, तो सोचिए क्या ऐसा बच्चा ऑफिसर नहीं बनेगा, क्या ऐसा बच्चा कल को आगे चल के लीडर नहीं बनेगा, टॉप लेवल पे नहीं जाएगा, ऐसे बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। राज पुकार जी का मैसेज, सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। सेंट्रल हिंदू स्कूल वाराणसी का फॉर्म कब तक निकलेगा, और सैनिक स्कूल का मेडिकल टेस्ट का डेट क्या होगा? देखिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म तो निकल चुका है, 31 मार्च लास्ट डेट है, और एग्जाम डेट जो है वो आपका
15 जून से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे सिक्स्थ क्लास के, नाइन्थ क्लास के और इलेवेंथ क्लास के लिए। राज पुकार जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, फिर इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर आपको मेडिकल की भी जानकारी मिल जाएगी। बिल्कुल कृष्णा जी, फॉर्म आ गया है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म आ गया है, आरआईएमसी देहरादून का आ गया है, तो आप पता करो, कॉल करो। और हमारे विद्यालय में 15 मार्च एडमिशन करवाने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो जो भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं वो 15 मार्च से पहले पहले एडमिशन करवा लें। रूपा जी का मैसेज है, सर नवोदय विद्यालय में पढ़ाने के क्या फायदे। देखिए पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि नवोदय विद्यालय उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स साल का 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा करते हैं, ये उनके लिए है। तो अगर आपका बजट है 50-60 हजार रुपए का, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का बजट है, तो रूपा जी जवाहर नवोदय विद्यालय आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका बजट नहीं है तो आप आराम से आंख बंद करके जवाहर नवोदय विद्यालय में तैयारी करवाइए, क्योंकि पहली बात तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलती है, फ्री के हिसाब से बता रहा हूँ, देखिए ठीक है ना, फ्री के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि अच्छी एजुकेशन। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप 1-1.5 लाख रुपया लगा सकते हैं, तो कभी भी भूल करके भी जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मत करवाइए, ठीक है ना। अच्छा या बुरा आपके बजट से डिसाइड होता है। अब है राज जी का मैसेज, सीएचएस के सिलेबस पर कोई वीडियो बनाइए। बिल्कुल जी, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बुक्स भी ले सकते हैं, और वीडियो के नीचे लिंक डाला हुआ है, सीएचएस की पूरी डिटेल डाली हुई है। और आप वेबसाइट पे जाओ हमारी, careerdefensechool.com, ऐप इंस्टॉल करो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कुणाल जी का मैसेज, सर आई कैन टेक एडमिशन फॉर योर स्कूल 10th क्लास। बिल्कुल जी, आप 10th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, आप 9th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, 8th क्लास में, तो 1st से लेकर 11th क्लास में आप एडमिशन ले सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि आपके बच्चे को बहुत ही मिनिमम फीस में, सैनिक स्कूल या सरकारी स्कूल से भी कम फीस में आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से दिखा रहा हूँ, चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। एनुअल फंक्शन डे होता है, 26 जनवरी होता है, नया साल होता है, क्रिसमस डे होता है, हर चीज को पॉजिटिवली बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। पूजा जी, सभी पेरेंट्स के मोबाइल पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है जी, उसके ऊपर आपको लिंक भेजा जा रहा है। तो ऑनलाइन नहीं जाना है, लॉगिन नहीं करना है, पेरेंट्स को सिर्फ इंतज़ार करना है, ठीक है। सैनिक स्कूल का रिजल्ट जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था उसके ऊपर भेजा जा रहा है, आपके OMR शीट भेजी जा रही है, उसके ऊपर आपका रिजल्ट भेजा जा रहा है, तो वो आपको चेक करना है। लक्ष्मी गुप्ता जी का मैसेज, सर स्कॉलरशिप एग्जाम ऑनलाइन होगा। बिल्कुल, अब आप देखिए ध्यान से समझिए, 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में जो भी पेरेंट्स आना चाहते हैं आप स्कूल में आएंगे, साथ के साथ आपके बच्चे का टेस्ट होगा, और साथ के साथ ही आपके बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दे दिया जाएगा, साथ के साथ ही, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हम नहीं चाहते कि एक साथ बहुत सारे पेरेंट्स आए, भीड़ लगे, किसी भी तरह की दिक्कत आए, तो आप 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में कभी भी आप आ सकते हैं, जैसे भी आपको रिजर्वेशन मिलता है, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने बच्चे को आके लेकर के आइए, पर्सनल यूज का सामान लेकर के आइए, फीस जमा करवाइए, साथ के साथ स्कूल में आपके बच्चे का ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। श्रीकांत यादव जी, सैनिक स्कूल का रिजल्ट आप लोगों के मोबाइल नंबर पे आ रहा है, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था, जो आपने मेल आईडी डाला था, ठीक है जी, और वहां पे आपको लिंक भेजा जा रहा है, OMR शीट भेजी जा रही है, रिजल्ट भेजा जा रहा है, वहां पे आपको चेक करना है। श्रीकांत जी, मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन पेरेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो यार वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इसकी जानकारी मिल पाए। सेंट्रल हिंदू स्कूल की पेरेंट्स को नहीं पता है कि इस तरह के भी यूट्यूब चैनल है जो लगातार काम कर रहे हैं। टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से मार्च में हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कई पेरेंट्स को नहीं पता है, क्या करें बताइए। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्चना जी, मैं आपको बता चुका हूं, 6 जुलाई 2007 है आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 6 जुलाई 2007 के अकॉर्डिंगली। अच्छा, सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में बता कर रही हैं। सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो अभी जो 9th क्लास के लिए फॉर्म निकला हुआ है, 30 सितंबर
2006 से लेकर के 30 सितंबर 2008 के बीच में बच्चे का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो अर्चना जी, आपका बच्चा 9th क्लास का सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकता है 2021 के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। 31 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। लक्ष्मी गुप्ता जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और आप अपने बच्चे का सामान लेकर के, अपने बच्चे को तैयारी करवा करके आप बच्चे को लेकर के आएंगे। साथ के साथ आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा और साथ के साथ ही आपके बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन दे दिया जाएगा। पवन मिश्रा जी का मैसेज है, मेरा बेटा गुरुकुल नीलोखेड़ी में सेलेक्ट हो गया है। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपको बता दूं कि गुरुकुल नीलोखेड़ी में हमारा जो रिजल्ट रहा है वो 90% रिजल्ट रहा है, यानी जितने भी बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से करीब करीब 90% बच्चों को सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन क्योंकि गुरुकुल की फीस बहुत ज़्यादा है, गुरुकुल नीलोखेड़ी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की फीस तो कम है लेकिन गुरुकुल नीलोखेड़ी की फीस ज़्यादा है, इसीलिए पेरेंट्स, क्योंकि 2,20,000 2,30,000 रुपये पेरेंट नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो बच्चे अभी सैनिक स्कूल के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम का वेट कर रहे हैं। RIMC ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं। बिल्कुल जी, RIMC देहरादून की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कोई भी बच्चा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल से पार्टिसिपेट कर सकता है, जानकारी ले सकता है। और आपका बच्चा जो है, मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा डायरेक्टली RIMC देहरादून में ऑनलाइन पार्टिसिपेट करके तैयारी कर सकता है। RIMC का फॉर्म निकला हुआ है, 5 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। सवाल ये आता है कि आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है। और अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करो। और अगर आपको हमारे पटियाला वाले स्कूल के बारे में नहीं पता है तो भी आप कॉल करके पता करो कि सर ये पटियाला वाला जो नया स्कूल खुल रहा है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और मई में पटियाले वाले स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।